ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ। ਇੰਝ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 to 15 lakh ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਲਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP। अगर ये अक्यूज के इंट्रोगेशन में आता है कि कहीं उन्होंने उन कंप्यूटर्स को यूज़ किया है, लैपटॉप को यूज़ किया है, तो फिर उसको हम जो है पुलिस स्टेशन 31 के साथ शेयर की। और इससे पेपर लीक जो होता है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उनमें जो पेपर लीक करते हैं वो एक रैकेट जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये पता लगा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया Phase 2 में मैपल टेक्नोलॉजीज़ के नाम से ये कंप्यूटर लैब थी। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, अराउंड 6000 square feet का एरिया है। और यहाँ पे एक मैनेजर रखा हुआ था इन्होंने, जिसका नाम था नीतीश। ये 24 साल का है और जिला नागौर राजस्थान का रहने वाला है। तो ये और इसके साथ 3 और लोग हैं, राकेश एलियस राका, अमित और मंजीत। तो इसमें से ये जो राका और मंजीत है ये ब्रदर्स हैं, और अमित जो है ये इनका ड्राइवर कम असिस्टेंट है, और नीतीश जो है वो यहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम करता था। नीतीश को जो है आज हमने अरेस्ट कर लिया है, उससे मोबाइल उसका सीज किया गया है, और उसमें बहुत क्रेडिबल एविडेंस हमें मिला है। अलग अलग टाइप के उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कई कैंडिडेट्स के साथ, और जो इसके ये बाकी साथी है राकेश, मंजीत और अमित और भी कई लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होने की उससे हमें क्लू मिल रहा है, क्योंकि कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो मैसेजेस, वॉइस नोट्स जो होते हैं वो, और व्हाट्सएप चैट्स इसके मोबाइल से जो है वो रिकवर हुई है। इसके अलावा इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके से है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्ज़ाम चल रही है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक है, और हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे इनके सेंटर्स हैं। 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हो रही है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो रही है 10:30 to 12 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट में हो रही है दोपहर को 2 to 3:30 बजे तक। हाँ हाँ, 3 to 18 December, और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम चल रही है। तो ये ITI में इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए ये एग्ज़ाम चल रही है, और इसमें अलग अलग ट्रेड्स है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ऐसे अलग अलग ट्रेड्स है, इसीलिए एक ही कैंडिडेट जो है वो कई बार वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। मतलब कोई मैकेनिकल के लिए अपीयर होगा, कोई इलेक्ट्रिकल के लिए अपीयर होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक के लिए अपीयर होगा। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी इस गैंग की इस तरीके से थी कि जो कैंडिडेट कोई एग्ज़ाम देने जाता था तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर उनको मिल लेते थे और उनको बोलते थे कि हम आपको इस डेट का, इस ट्रेड का जो है पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और इसके लिए 10 से 15 लाख में ये डील सेटल करते थे। कई कैंडिडेट्स के साथ जो है इन्होंने स्लैब्स भी बना रखी थी कि जिस टाइम पे हम पेपर प्रोवाइड करेंगे उसका, उसके मतलब जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप हमें 4 lakh rupees देंगे, उसके बाद 4 दिन के बाद जो है आपने हमें अगले 6 lakh rupees देने, और जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 4 lakh rupees देने। तो इस तरीके से 14 लाख की इन्होंने के करीब करीब 12 to 15 lakh की इन्होंने डील सब लोगों से सेटल की थी। दूसरी इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि कई लोग जो है इनके हरियाणा में जो अपनी रिश्तेदारी में है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, तो रिश्तेदार टू रिश्तेदार ही अप्रोच किया है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि
उनके जो मामा के बेटे है उनका आगे कोई नोन है उसके थ्रू कांटेक्ट हुआ है, कोई बता रहा है कि ये मेरे बुआ की बेटी है, उसका साला है, आगे उसका कोई नोन है। तो ऐसे नोन अपने रिश्तेदारों में इन्होंने काफ़ी लोगों से इस तरीके से बातचीत करके ये पूरा जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम का पेपर लीक करने के बहाने से पूरी डील करके रखी हुई थी। कैंडिडेट्स के मोबाइल फ़ोनों में है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, वॉइस नोट कर रखे हैं कि उनको रात को ये एड्रेस दिया जा रहा था बाकायदा और उस एड्रेस पे बुलाया जा रहा था और रात भर ये लोग वहीं पे रहे हैं। उनको ये बोला गया कि आप यहीं पे रुको और सुबह आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस तरफ से रेड की गई और ये नीतीश को अरेस्ट किया गया। 11 कैंडिडेट्स वहाँ पे इस तरीके से मिले जो रात भर वहीं पे रुके रहे और चूँकि रेड हो गई तो उस टाइम पे जो है पेपर इनका रिकवर नहीं हो पाया, शायद इनने की देने का प्रॉमिस किया गया था। सो आगे जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें मंजीत, राका और अमित, ये तीनों जो है इनका रोल बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने इस तरीके से पेपर प्रोवाइड करने का ये पूरा रैकेट बना रखा था और ये भी देखेंगे कि इनके आगे जो है पेपर प्रोवाइड करने के लिए कि क्या इन्होंने भर इनके साथ रहे हैं। चमत्कार होंदे ने, देखो अपनी अखां सामने 3 घंटे च हर परेशानी का हल पाओ। सात इलमां दे माहिर दिवांशु जोशी, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकता, कट्टन वाले नूं मुंह मंगिया ही ना। परेशानी जिवें मनचाहा प्यार, पति पत्नी च अनबण, काले जादू दा खात्मा, बीमारी दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिस नूं चाहे उस नूं अपने वश च करो। लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स। धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नूं अपनियां अक्खां सामने तड़फदा वेखो। 7082844 9। पंडित एम के शर्मा, फीस नहीं इनाम लवांगा, धोखा नहीं कम करांगा, माता रानी ने चाया तां खून दे हंजू नहीं आउण देवांगा। पंडित मौलवी तो विश्वास खो चुके एक बार जरूर अजमाओ। पंडित एम के शर्मा, प्रेमी प्रेमिका नु मिलाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट, माता पिता नु मनाना, एक बार मिलाओ फोन ते जरूर अजमाओ अपनी किस्मत। करो संपर्क 97793995।